मोदी सरकार का तीसरा सीजन शुरू होने वाला है। 9 जून की डेट आ चुकी है। 9 जून की शाम को नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, लेकिन इससे पहले बहुत कुछ चल रहा है और वो बहुत कुछ कह रहा है। 293 से एनडीए के नंबर 303 कैसे हो गए रातों रात, उसके बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि जो लोग एनडीए को तोड़ने के सपने देख रहे थे उनको यह सुनकर झटका लगेगा। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को कौन से मंत्रालय मिलने वाले हैं और बीजेपी ने कौन से मंत्रालयों के लिए साफ मना किया है, ये सब आज आपको बताऊंगा। लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण का हर रास्ता क्लियर है। शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और उसकी तस्वीर भी आ गई है। ये तस्वीरें देखिए, राष्ट्रपति भवन में कुर्सियां लगनी शुरू हो चुकी हैं, यानी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के लिए नरेंद्र मोदी भी तैयार हैं और राष्ट्रपति भवन भी तैयार होना शुरू हो गया है। इसी जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेकर अपना तीसरा टर्म शुरू करेंगे और इतिहास लिखेंगे, क्योंकि आजाद भारत में नेहरू के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे दूसरे व्यक्ति होंगे जो कि तीसरा टर्म जो है उसमें घुसने वाले हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। सारे रास्ते इसलिए भी क्लियर हैं क्योंकि बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों से बात कर ली। एनडीए की मीटिंग कल ही हो चुकी है। इसके अलावा बीजेपी ने एनडीए का नंबर भी रातों रात बढ़ा लिया। अब यह नंबर सिर्फ 293 नहीं रह गया है, यह नंबर 300 के पार पहुंच चुका है। हमने आपको कल ही बताया था कि 17 ऐसे सांसद हैं जो अभी ना एनडीए में है ना इंडी गठबंधन में। इनमें 7 निर्दलीय शामिल थे। जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस के 4 सांसद हैं, नवीन पटनायक की बीजेडी के 1 सांसद हैं, ओवैसी की एआईएमआईएम का 1 सांसद यानी खुद ओवैसी, वीपीपी का 1 सांसद, जेडपीएम का 1 सांसद और एएसकेपीआर के अलावा बीएपी का 1 सांसद। अब सूत्रों के मुताबिक आज जो खबर आई उससे यही है पता चल रहा है कि एनडीए के साथ 10 सांसद इनमें से जुड़ गए हैं जो दूसरे छोटे दल और निर्दलियों से आए हैं, यानी एनडीए का आंकड़ा 293 नहीं 303 पहुंच गया है। और ये दोनों ऐसे पक्ष के लिए झटके के जैसा है जो 293 देखकर अंदर ही अंदर खुश थे। भाई एक तो इंडिया अलायंस, उनको लग रहा था सरकार कभी भी गिर जाएगी, एनडीए 303 पहुंच गया। और दूसरा चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार जैसे लोग जिनकी बार्गेनिंग पावर अब कम हो जाएगी क्योंकि एनडीए 303 पर है। उधर इंडी गठबंधन से इस वक्त की बड़ी खबर आ गई। इंडी गठबंधन का टूटना शुरू हो गया है, यानी जो नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए एनडीए तोड़ने वाले थे वो इंडी गठबंधन खुद टूट रहा है। कांग्रेस पर आम आदमी पार्टी के मंत्री गोपाल राय का बड़ा बयान आ गया है। लोकसभा चुनाव तक ही कांग्रेस से साथ था गोपाल राय ने कह दिया है और कह रहे हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी अब अकेले लड़ेगी। तो पंजाब में तो इनका गठबंधन नहीं ही हुआ, दिल्ली में भी अब दोनों ने टाटा बाय बाय कह दिया है। केजरीवाल जी ने तो पहले ही कहा था कि शादी थोड़ी ना की है। गोपाल राय का बयान सुनिए क्या कह रहे हैं, यानी पहला विकेट इंडी से गिर गया है लग रहा। ये अलायंस लोकसभा चुनाव के लिए था, लोकसभा चुनाव हमने ईमानदारी से मिलकर के लड़ा है। दिल्ली जो विधानसभा का चुनाव है उसके लिए देश भर में कोई गठबंधन नहीं है और दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता के साथ मिलकर के हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। यानी एनडीए क्या टूटता, इंडी टूटना शुरू हो गया है। हालांकि एनडीए एकजुट है, एनडीए के नेता कल ही नरेंद्र मोदी को पूरा सपोर्ट दे चुके हैं और उन्हें अपना नेता मानकर यह मैसेज दे चुके हैं कि वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार चलाने के लिए तैयार है। एनडीए के नेताओं ने तो अपना काम कर दिया, उन्होंने पीएम मोदी को वो सपोर्ट दे दिया जो उन्हें इस वक्त चाहिए। लेकिन इसके बदले में बीजेपी से उन्हें क्या चाहिए, इसकी एक लिस्ट हर सहयोगी मनीमन तैयार करके बैठा है, क्योंकि उन्होंने अपना काम कर दिया और अब बारी बीजेपी की है कि बीजेपी उन्हें कितना कुछ दे पाएगी और किस हद तक उनकी डिमांड पूरी कर पाएगी। कल एनडीए की मीटिंग हुई थी, आज एनडीए की पार्टियों ने अपनी अलग अलग मीटिंग, जैसे चंद्रबाबू नायडू ने आज अपने नेताओं के साथ अपने सांसदों के साथ एक मीटिंग की, एकनाथ शिंदे ने अपने सांसदों के साथ मीटिंग की है, कल सुबह जेडीयू के सांसदों की भी एक मीटिंग होगी। इन मीटिंग से जो डिमांड लिस्ट निकल कर आएगी उस पर बीजेपी कितना तैयार होगी कितना तैयार नहीं होगी, या बीजेपी से जो बात हुई होगी वो इन सांसदों को बताया जाएगा कि भाई ये हमको मिल रहा है नहीं मिल रहा है। ये सारी बातें कल परसों तक क्लियर हो जाएंगी क्योंकि इसके बाद 9 जून को पीएम मोदी को शपथ लेनी है। एनडीए में बीजेपी के जो पार्टनर हैं उनमें सबसे ज्यादा डिमांड अभी टीडीपी की होगी क्योंकि तेलुगु देशम पार्टी के पास बीजेपी के सहयोगी दलों में सबसे ज्यादा 16 सीटें हैं।
कल पीएम आवास पर एनडीए नेताओं की जो मीटिंग हुई थी उसमें चंद्रबाबू नायडू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ठीक बगल में बैठे हुए दिखे थे। इसका सीधा संकेत यह था कि नायडू इस वक्त एनडीए में खुद को नंबर टू की पोजीशन में देख सकते हैं और इस हिसाब से वो चाहते भी होंगे कि उन्हें सरकार में ठीक ठाक हिस्सेदारी मिले। अब सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक टीडीपी की डिमांड लिस्ट क्या हो सकती है वो आपको बताता हूं। टीडीपी लोकसभा स्पीकर का पोस्ट भी मांग सकती है ऐसा सूत्र कह रहे हैं, क्योंकि अटल जी की गठबंधन सरकार में टीडीपी के पास लोकसभा स्पीकर की पोस्ट थी। 1998 में टीडीपी के जेएमसी बालयोगी लोकसभा के स्पीकर बने थे और वो 2002 तक लोकसभा के स्पीकर थे। लेकिन लोकसभा स्पीकर का पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये अक्सर उसी पार्टी को मिलता है जिसकी सबसे ज्यादा सीटें होती है। ऐसे में यह कहना मुश्किल है कि बीजेपी स्पीकर की पोस्ट पर कोई कॉम्प्रोमाइज करेगी या नहीं। सूत्रों के मुताबिक अगर टीडीपी ने ज्यादा जोर दिया तो बीजेपी डिप्टी स्पीकर की पोस्ट टीडीपी को दे सकती है, लेकिन स्पीकर की पोस्ट दे इसकी गुंजाइश कम दिखती है। यानी स्पीकर का पोस्ट टीडीपी को मिलेगा इस पर बहुत डाउट है। लेकिन इसके अलावा टीडीपी कई मंत्रालय भी चाह रही होगी। सूत्रों के हवाले से जो खबरें छनछन कर आ रही हैं उसके मुताबिक टीडीपी 3 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री के पद की मांग कर सकती है। ट्रांसपोर्ट शहरी विकास मंत्रालय जैसे वो मंत्रालय मांग सकती है, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय भी टीडीपी मांग कर सकती है। लेकिन टीडीपी को जो मंत्रालय मिल सकते हैं उस पर सूत्र बता रहे हैं कि टीडीपी को हो सकता है नागरिक उड्डयन मंत्रालय मिल जाए या स्टील मंत्रालय उनको ऑफर हो सकता है, क्योंकि टीडीपी के पास नागरिक उड्डयन मंत्रालय पहले भी रह चुका है। इसी तरह से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भी अपनी डिमांड लिस्ट बना चुकी होगी या बना रही होगी। नीतीश कुमार के पास 12 सांसद हैं और वो बिहार में बीजेपी के इंपॉर्टेंट सहयोगी। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही है, इस लिहाज से नीतीश कुमार बीजेपी के लिए बहुत अहम है, न सिर्फ राज्य में बल्कि केंद्र में भी। अब सूत्रों के मुताबिक जेडीयू कितने और कौन कौन से मंत्रालय मांग सकती है इस पर क्या जानकारी आ रही है वो बताता हूं। जेडीयू को 1 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री पद चाहिए ऐसा कहा जा रहा है। इसमें ग्रामीण विकास, रेलवे और कृषि जैसे मंत्रालय मांगे जा सकते हैं। जेडीयू के पास रेल मंत्रालय पहले भी रह चुका है, नीतीश कुमार खुद रेल मंत्री रह चुके हैं। लेकिन सूत्रों के मुताबिक जेडीयू को पंचायती राज और ग्रामीण विकास जैसे मंत्रालय मिल सकते हैं। ये सारी बातें अभी सूत्रों के हवाले से। इसी तरह से एनडीए के दूसरे लोग भी चाह रहे होंगे कि मोदी कैबिनेट में उन्हें भी या उनके लोगों को भी जगह मिले और अहम मंत्रालय मिले। इन पार्टनर्स को भी बीजेपी को कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। इनमें चिराग पासवान की एलजेपी है जिनके 5 सांसद हैं, एकनाथ शिंदे की शिवसेना है जिनके 7 सांसद हैं, जीतन राम मांझी हैं जो अपनी पार्टी के इकलौते सांसद हैं, अनुप्रिया पटेल जो मोदी कैबिनेट में 2 बार से मंत्री हैं, जयंत चौधरी जो चुनाव से ठीक पहले एनडीए में आए, पवन कल्याण जिनकी जनसेना पार्टी आंध्र प्रदेश में गठबंधन में। अब किसको क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, कैबिनेट में जगह मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, अभी कुछ क्लियर नहीं। आप सोचिए, कुछ सीट आपने नरेंद्र मोदी को कम दी तो अभी जो नरेंद्र मोदी का फोकस था कि कैसे भारत को जो है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है, वो देखिए कैसे फोकस शिफ्ट होना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है कि किसको क्या देना है इस पर दिमाग लगाना पड़ रहा है। वरना नरेंद्र मोदी अभी ये दिमाग लगा रहे होते कि अब क्या करना है और कैसे जो है देश को एकदम 5th गियर में लगाना है। सूत्रों के मुताबिक मंत्रालयों के बंटवारे के जिस फॉर्मूले की सबसे ज्यादा बात हो रही है उस फॉर्मूले के मुताबिक हर 4 सांसद पर 1 मंत्रालय मिलने की बात कही जा रही है। यानी जैसे टीडीपी के 16 सांसद हैं तो उनको 4 मंत्रालय मिल सकते हैं, जेडीयू के 12 सांसद हैं तो 3 मंत्रालय मिल सकते हैं, शिवसेना शिंदे के 7 सांसद हैं तो उन्हें 2 मंत्रालयों की उम्मीद होगी, चिराग पासवान के 5 सांसद हैं तो उन्हें कम से कम 1 मंत्रालय की उम्मीद होगी। यानी 4 सांसदों पर 1 मंत्रालय मिलने की बातें कही जा रही है। हालांकि बीजेपी यह समझती है कि यह गठबंधन की सरकार है और इसलिए थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज तो करना होगा, लेकिन बीजेपी के सूत्रों के मुताबिक ऐसा नहीं होगा कि हर डिमांड ही मान ली जाएगी। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी गठबंधन के नियमों को और गठबंधन के धर्म के तहत काम करेगी, किसी सहयोगी को अतार्किक और अनावश्यक मांग के आगे बीजेपी नहीं झुकेगी, यह बीजेपी मानकर चल रही है। मंत्रालयों के बंटवारे में सहयोगी दलों का पूरा ध्यान रखा जाएगा, अपने सभी सहयोगियों को बीजेपी साथ लेकर चलेगी। अब सवाल है कि कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा तो ऐसे कौन से मंत्रालय हैं जिन पर बीजेपी किसी हाल में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। सूत्रों का दावा है कि कुछ मंत्रालय ऐसे हैं जो बीजेपी किसी और पार्टी को नहीं देगी और उनमें वो बड़े मंत्रालय शामिल हैं जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का हिस्सा होते हैं। इनमें कौन कौन से हैं भाई? इसमें एक तो जिस पर बीजेपी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी जिन मंत्रालयों में, उसमें एक है रक्षा मंत्रालय।
जो कि अभी राजनाथ सिंह के पास है, वो रक्षा मंत्री। तो इस पर बीजेपी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। कहा जा रहा है, सूत्र दावा कर रहे हैं कि रक्षा मंत्री किसी और को नहीं बनाएगी, बीजेपी से ही होगा। इसके अलावा वित्त मंत्रालय, क्योंकि नरेंद्र मोदी का फोकस देश की अर्थव्यवस्था को गति देने पर होता है और वो चाहेंगे कि निर्मला सीतारमण जिस तरह से काम कर रही हैं वो कंटिन्यू करें या कोई बीजेपी का व्यक्ति करे। इसके अलावा गृह मंत्रालय, जो कि अभी अमित शाह के पास है, कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार में, नई सरकार में भी गृह मंत्रालय सहयोगियों को मिलने की गुंजाइश कम है। और चौथा मंत्रालय है विदेश। ये चार ऐसे मंत्रालय हैं जो बीजेपी किसी हाल में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, गठबंधन के साथियों को नहीं देगी, ऐसी खबरें आ रही। इसके अलावा ऐसे मंत्रालय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से सीधे जुड़े हैं, जिनमें देश के विकास से जुड़े गरीब, किसान और युवा और महिलाओं से जुड़ी नीतियां बनती हैं, माना जा रहा है कि वो भी बीजेपी अपने पास रखना चाहेगी। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े मंत्रालय, युवाओं से जुड़े मंत्रालय, किसानों से जुड़े हुए मंत्रालय, ये सारे मंत्रालय जो है वो बीजेपी चाहेगी कि वो अपने पास रखे, ताकि नरेंद्र मोदी की जो सोच है, जो विजन है, उसे आगे बढ़ा जा सके। और कहीं मान लीजिए आपने सहयोगी को दिया, वो किस गति से काम कर रहा नहीं ना पता। बीजेपी को टूरिज्म, सामाजिक न्याय, एमएसएमई, स्किल डेवलपमेंट, साइंस टेक्नोलॉजी जैसे मंत्रालय सहयोगियों को देने में कोई दिक्कत शायद ही हो। बीजेपी ने अपने सहयोगियों की डील करने की जिम्मेदारी अपने दो बड़े और अनुभवी नेताओं को दी है। इनमें एक नाम अमित शाह का बताया जा रहा है, जो अपने सहयोगियों से बात कर रहे हैं और देख रहे हैं कि भाई किसको क्या मिलना है, किसको क्या दिया जा सकता है। और दूसरा नाम राजनाथ सिंह का है, जो बहुत अनुभवी नेता है, और राजनाथ सिंह को भी जिम्मेदारी दी गई है कि भैया आप देखिए, बात कीजिए किसको क्या देना नहीं देना। आप यह भी देखिए कि एनडीए के सहयोगियों में इस वक्त चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार अहम प्लेयर्स हैं। इसमें चंद्रबाबू नायडू तो 4 जून से कई बार यह कह चुके हैं कि वो नरेंद्र मोदी के साथ ही रहने वाले हैं, कोई फ्लिप फ्लॉप नहीं होने वाला। लेकिन सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार भी ऐसा करने वाले हैं या नहीं करने वाले। हालांकि अभी यह है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से फिर से वो मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी 9 जून को शपथ लेंगे और तब तक चंद्रबाबू नायडू दिल्ली में ही रहेंगे। चंद्रबाबू नायडू 12 जून को आंध्र प्रदेश के सीएम पद की शपथ लेंगे। चंद्रबाबू नायडू तो बीजेपी के साथ सेट हैं, लेकिन आज जेडीयू ने प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर दी। जेडीयू ने बिहार के स्पेशल स्टेटस की मांग को दोहरा दिया। साथ ही यह भी कहा गया जेडीयू के नेता केसी त्यागी की तरफ से कि अग्निवीर स्कीम पर सवाल उठाकर उन्होंने कुछ हलचल पैदा कर दी। एक बार सुनिए जेडीयू के नेता केसी त्यागी क्या कह रहे हैं, फिर आपको बताऊंगा कि कैसे जेडीयू को सेट करने के लिए बीजेपी ने नया दांव चल दिया। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए, जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते विधि आयोग के अध्यक्ष श्री चौहान को मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख चुके हैं। हम इसके विरुद्ध नहीं है, लेकिन जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हो, या डिफरेंट सेक्ट्स हो, उनसे बातचीत करके इसका हल निकाला जाना चाहिए। जेडीयू नेता के इस बयान से पैदा हुई हलचल को कम करने के लिए बीजेपी नेताओं ने नया दांव किया। बिहार बीजेपी के नेताओं की तरफ से यह कह दिया गया कि अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। बिहार में नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा होंगे। एक बार सुनिए बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी। हमारे एनडीए के नेता माननीय नीतीश कुमार जी हैं, तो इसमें जो पिछले दरवाजे से, चोर दरवाजे से घुसना चाहते हैं राजद के लोग, वो भ्रम की वातावरण बनाते हैं, क्योंकि उनको हिम्मत नहीं है। जेडीयू ने कहा कि 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव में जाएगी। अरे तो इसमें दिक्कत क्या है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 1996 से भारतीय जनता पार्टी आगे भी रहेगी। यानी अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। देखिए, पॉलिटिक्स में टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। इधर नीतीश कुमार की पार्टी क्या बात कर रही है दिल्ली में, उधर बिहार में उनको यह मैसेज दे दिया गया कि भाई आप ही के नेतृत्व में चलना है। तो बीजेपी के अंदर बहुत सारी चीजें चल रही हैं, वहां आत्ममंथन भी चल रहा है कि क्या हुआ नहीं हुआ। लेकिन पाठशाला में अब अगली क्लास, 99 सीट जीतकर कांग्रेस में जो हो रहा है वो मोदी को क्या 2029 भी जितवाएगा? कांग्रेस की 99 सीटों का वो एक्सरे जिसमें बहुत चोट लगी दिख रही है।
ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी इंडी गठबंधन चुनाव हार गया है वो अपनी हार मान ही नहीं रहा है, बल्कि ये बता रहा है कि हार तो मोदी गए हैं। मोदी तो तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं बॉस, तीसरी बार पीएम बनने जा रहे हैं बॉस, लेकिन कांग्रेस और इंडी गठबंधन अलग ही दुनिया में जी रहे हैं। इनकी एक अलग दुनिया है ट्विटर पर, खास तौर पर राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस सिर्फ इसी में खुश हो रहे हैं कि उन्होंने बीजेपी को बहुमत से पहले रोक लिया। अरे भैया आप 5 साल बाहर बैठोगे और वो पीएम की कुर्सी पर बैठेंगे, लेकिन ये खुश है क्या? 272 नहीं आने दिया, अरे 240 आया है और आपकी पार्टी को आधे से भी कम आया है। लेकिन राहुल गांधी को अपने प्रदर्शन को भी देखना चाहिए। लगातार 3 बार से कांग्रेस पार्टी उनके चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन वो अपने नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को 100 सीट भी नहीं दिलवा पा रहे भाई। 100 सीट 2014 में नहीं दिलवा पाए, 2019 में नहीं दिलवा पाए, 2024 में सब दल से गठबंधन कर लिए, इंडी अलायंस बना लिए, तब भी राहुल गांधी 100 पार नहीं करा पाए कांग्रेस को, 99 पे अटक गई। लेकिन बॉस माहौल देखिए सोशल मीडिया से, हर जगह ऐसा लग रहा है महाराज की जय हो, महाराज की जय हो के नारे लग रहे हैं। बीजेपी की सीटों की बात तो सभी कर रहे हैं, कांग्रेस का भी परफॉर्मेंस तो देखिए। 3 बार से कांग्रेस का हाल यह है कि इनसे सेंचुरी नहीं लग पा रही। बीजेपी 240 सीटें लाकर सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन 3 चुनाव से कांग्रेस का हाल अगर आप देखिएगा, कांग्रेस का हाल क्या है जरा यह भी तो याद कीजिए। और इतने जोश से ये लोग जो है पार्टी कर रहे हैं, 2014 में कांग्रेस को कितनी आई? 44 सीट आई बॉस, 44 सीट। 2019 में कितनी सीट आई? 2019 में इनको 52 सीट आई, 52 सीट। और 2024 में इनको कितनी सीट आई? 99 सीट। अगर इन तीनों बार के परफॉर्मेंस को भी अगर आप जोड़ दीजिए, 4, 2, 6, 9, 6, 15, 4, 5, 4, 9, 9, 18, 21, 195 सीट बनता है। तो राहुल गांधी तीन चुनाव में राहुल गांधी मिला भी दीजिए 3 चुनाव में तो 195 सीट लाए हैं, जो अभी भी बीजेपी एक बार 2024 में जितनी लाई उससे 45 सीट कम। 3 बार से लड़ लड़ के भी राहुल गांधी उतनी सीट नहीं ला पाए जितना नरेंद्र मोदी को यह कह रहे कि मोदी हार गए इस बार उतनी सीट। यह तो इनका हाल है, लेकिन नहीं, महाराज की जय हो के नारे लग रहे हैं। इस प्रदर्शन के बाद तो कांग्रेस को जश्न मनाने की बजाय आत्ममंथन करना चाहिए। कांग्रेस नेताओं को यह तय करना चाहिए कि वो लगातार इतनी बार से यह मामला चल रहा है उसके बावजूद गांधी परिवार को ऐसे ही ढोने को कब तक तैयार रहेंगे। आज आपको डिटेल में बताता हूं कि कांग्रेस किस तरह से जगह जगह पर हारी है, जिसकी कहीं कोई चर्चा ही नहीं है। कांग्रेस के जिन जिन राज्यों में सरकार है वहां भी कांग्रेस ने खराब प्रदर्शन किया। जैसे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, वहां पर बीजेपी सभी लोकसभा सीटें जीत गई। कांग्रेस की सरकार जीत बीजेपी रही है। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, वहां पर बीजेपी ने अपनी सीटें डबल कर ली। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, वहां पर कांग्रेस डबल डिजिट में नहीं आ सकी, लेकिन हार मोदी गए। आप यह सुनकर हैरान हो जाएंगे कि देश में ऐसे कई राज्य हैं जहां कांग्रेस का खाता तक नहीं खुल पाया, वहां एक सीट कांग्रेस नहीं जीत पाई। इसमें मध्य प्रदेश है, कांग्रेस को एक सीट नहीं आई मध्य प्रदेश में। दिल्ली में कांग्रेस को एक सीट नहीं आई आम आदमी पार्टी से गठबंधन के बावजूद। उत्तराखंड में एक सीट कांग्रेस को नहीं आई। हिमाचल प्रदेश में 0, त्रिपुरा में 0, सिक्किम में 0, आंध्र प्रदेश में 0, जम्मू कश्मीर में 0, अरुणाचल में 0। इतने सारे राज्य जहां कांग्रेस को 0 सीट आई है, लेकिन महाराज की जय हो। लगातार तीसरी बार भी कांग्रेस सत्ता में नहीं आ रही, लेकिन फिर भी कांग्रेस बीजेपी को यह कहकर चिढ़ा रही है कि देखिए बीजेपी को तो सिर्फ 240 सीट आई, जबकि लगातार 10 साल सरकार चलाने के बाद भी अकेले अपने दम पर 240 सीट लाना कोई छोटी बात नहीं है, वो भी जब सारा ऑपोजिशन मिलकर चुनाव लड़ रहा था। पिछले 35 साल से बीजेपी के अलावा कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो अकेले अपने दम पर 232 से ज्यादा सीट जीत पाई। आप परफॉर्मेंस देखिए बॉस, आपको मैं इतिहास याद दिलाता हूं, जरा देखिए नरेंद्र मोदी की जीत कितनी बड़ी है। अगर आप देखेंगे साल सरकार बनी और सीट आई कितनी आई, ये 3 आप देखिए, आपको पता चल जाएगा नरेंद्र मोदी की जीत। 1989, 35 साल का आपको इतिहास बता रहा हूं बॉस, 1989 का साल था, 1989 कांग्रेस की सरकार बनी और सीट कितनी आई कांग्रेस को? 197। 1991 बॉस,
ये गठबंधन है कांग्रेस प्लस कर लीजिए। उसके बाद 1991 में देखिए कांग्रेस की सरकार आती है 232 सीट आती है कांग्रेस को। 1996 में बीजेपी की सरकार आती है 161 सीट आती है बीजेपी को। 1998 में फिर बीजेपी की सरकार आती है यहां पर 182 सीट आती है बीजेपी। 1999 में बीजेपी की सरकार आती है फिर से बीजेपी को 182 सीट आती है। 2004 यूपीए की सरकार बनती है कांग्रेस की सरकार कांग्रेस प्लस उसकी सरकार आती है कांग्रेस को कितनी सीट आती है 145। 2009 कांग्रेस प्लस की सरकार बनती है कांग्रेस को कितनी सीट आती है 206। उसके बाद आप देखिए 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आती है बीजेपी गठबंधन की सरकार बनती है सीट आती है 282 बीजेपी की अकेले अपने बूते पर। और 2019 में बीजेपी की सरकार बनती है और बीजेपी की सीट कितनी आती है 303 और अभी 240। यानी 1989 से लेकर 2024 में आ गए अभी तक नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से सीटें लाकर दी हैं एक पार्टी नहीं लेकर आ पाई है बॉस। मैक्सिमम 232 कांग्रेस गई थी 1991 में। यह है नरेंद्र मोदी की जीत का मतलब। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस सिर्फ एक या दो सीट जीत पाई जैसे छत्तीसगढ़ में 11 सीटें वहां कांग्रेस एक सीट जीती है। बंगाल में 42 सीटें हैं वहां कांग्रेस एक सीट जीती है। गुजरात में 26 सीटें हैं वहां कांग्रेस को एक सीट मिली है। ओडिशा में 21 सीटें हैं वहां कांग्रेस ने सिर्फ एक सीट जीती है। झारखंड में 14 सीटें हैं वहां कांग्रेस को मात्र दो सीट आई है। कौन सी बात की खुशी कौन सी बात की पार्टी और किस बात की महाराज की जय होकर नारे लग रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। किस बात पर राहुल गांधी का इतना गुणगान हो रहा है मुझे तो समझ ही में नहीं आ रहा। लगातार 3 लोकसभा चुनाव हो चुके लेकिन अब भी क्या सीट क्या वोट दोनों मामलों में कांग्रेस बीजेपी से बहुत पीछे। इस बार के चुनाव में बीजेपी को करीब 23,59,00,000 वोट मिले और कांग्रेस को 13,67,00,000 वोट यानी बीजेपी से ऑलमोस्ट 10,00,00,000 वोट कम मिला है। लेकिन महाराज की जय। ऐसे ऐसे राज्य जहां पर कांग्रेस की अपनी सरकार है जहां से कांग्रेस को अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए था वहां पर भी कांग्रेस लुढ़क गई। जैसे आप कर्नाटक देखिए कर्नाटक में पिछले साल ही कांग्रेस ने बड़े बहुमत से सरकार बनाई थी। रेवड़ियां बांटने वाली स्कीम धूमधाम से चलाई अपनी फ्री गारंटी स्कीम्स के भरोसे पर। कांग्रेस को उम्मीद थी कि कर्नाटक में कम से कम 14 सीटें तो मिलेंगी लेकिन 9 सीट पर सिमट कर रह गई। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में हार के बाद लोकसभा चुनाव में कमबैक किया और कर्नाटक की 28 में से 17 लोकसभा सीटें जीती। बीजेपी के सहयोगी दल जेडीएस ने भी 2 सीटें जीती और इस तरह कर्नाटक में एनडीए का आंकड़ा 19 पर पहुंच गया। यह कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका था क्योंकि 1999 में कांग्रेस आखिरी बार कर्नाटक में डबल डिजिट सीटों पर पहुंची थी। 25 साल से कांग्रेस कर्नाटक में सिंगल डिजिट में अटकी हुई है और इस बार भी अपनी सरकार कर्नाटक में होने के बावजूद वो 9 सीट से आगे नहीं बढ़ पाई। खुद डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के भाई डीके सुरेश बेंगलुरु ग्रामीण सीट से 270,000 वोट से हार गए। लेकिन इनको अपना ही बिजी चल रहे हैं बॉस मोदी हार गए में। एक भी कोई ऐसा डिस्कशन नहीं दिख रहा कि कांग्रेस की इतनी बुरी हालत है देश में। यह डिस्कशन नहीं दिख रहा कि सब करने के बाद हम मोदी को 240 से नीचे नहीं खींच पा रहे अगले बार क्या करेंगे। कुछ नहीं अभी तो पार्टी शुरू हुई है माला माहौल चल रहा है। तेलंगाना में भी हाल में कांग्रेस ने सरकार बनाई लेकिन वहां भी वो बीजेपी को बढ़ने से नहीं रोक पाई। तेलंगाना में 17 सीटों में से 8 बीजेपी ने जीती तो 8 कांग्रेस ने, एक सीट एआईएमआईएम के खाते में गई, बीआरएस का खाता नहीं खुला। जबकि पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में 119 सीटों में से कांग्रेस ने 64 सीटें विधानसभा में जीती और बीजेपी सिर्फ 8 विधानसभा सीटें जीत पाई थी। लेकिन विधानसभा चुनाव में मिली बढ़त को कांग्रेस लोकसभा में कायम नहीं रख पाई। तो जो लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की लहर खत्म हो गई है, मोदी को देश ने नकार दिया है, बॉस मोदी को देश ने नकार दिया तो तेलंगाना में विधानसभा में सीटें नहीं आई लेकिन लोकसभा में कैसे आ गई। तेलंगाना की महबूब नगर सीट जो तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी का गृह जिला है वहां भी बीजेपी ने जीत हासिल की है। कांग्रेस उस मलकाजगिरी सीट को भी नहीं बचा पाई जहां से 2019 में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी सांसद चुने गए थे। मलकाजगिरी सीट पर बीजेपी ने करीब 400,000 वोट से जीत दर्ज की। 400,000 वोट छत्तीसगढ़ जहां साल पिछले साल तक
कांग्रेस की सरकार चल रही थी, लेकिन वहां विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस लोकसभा चुनाव में बुरी तरह हारी। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार में सीएम रहे भूपेश बघेल तक अपनी सीट नहीं बचा पाए। राजनांदगांव सीट पर भूपेश बघेल बीजेपी के संतोष पांडे से 44,000 वोटों के अंतर से हार गए। इसके अलावा लोकसभा चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस के दो मौजूदा विधायक और दो पूर्व मंत्रियों में भी हार का सामना करना पड़ा। इतने सवाल खड़े हैं कांग्रेस के सामने, और माहौल क्या है बॉस? अरे गजब कर दिए, महाराज की जय हो। इसी तरह से आप मध्य प्रदेश में देखिए, जहां पिछली बार कांग्रेस ने एक सीट जीती थी, इस बार तो वो एक सीट भी इनको नसीब नहीं हुई। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपनी इकलौती सीट छिंदवाड़ा भी गवा दी। छिंदवाड़ा में कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ लड़ रहे थे, वो हार गए। नकुलनाथ को बीजेपी के नए कैंडिडेट बंटी साहू ने 1,00,000 से ज्यादा वोट से हरा दिया, जबकि इसी एमपी में शिवराज सिंह चौहान 8,00,000 से ज्यादा वोट से जीते हैं। मध्य प्रदेश हो या फिर गुजरात जैसा राज्य, कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीटों का ही नहीं वोटों का भी इतना बड़ा गैप है जिस पर कांग्रेस को सोचना चाहिए, ना कि हार के बाद जश्न के मोड में रहना चाहिए। मध्य प्रदेश में आप वोट शेयर देखिए कि क्या हालत हो गई है कांग्रेस की मध्य प्रदेश के अंदर, एमपी के अंदर। बीजेपी का वोट शेयर कितना है? बीजेपी का वोट शेयर है 59% और कांग्रेस का वोट शेयर है 32%। ये अंतर है। आप गुजरात देखिए बॉस, गुजरात में बीजेपी का वोट शेयर कितना है? 62% बॉस, और कांग्रेस का वोट है आधा, 31%। और ये कह रहे हैं नरेंद्र मोदी को देश ने नकार दिया है। कब तक जो है शुतुरमुर्ग की तरह जो है वो मुंह रेत में घुसा के रहिएगा भाई? गुजरात में तो दो लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार कांग्रेस को एक सीट मिली है। गुजरात की 26 सीटों में सिर्फ बनासकांठा की सीट है जहां पर कांग्रेस जीती। बनासकांठा में कांग्रेस की गनीबेन ठाकुर ने 30,000 वोट के अंतर से बीजेपी कैंडिडेट को हराया। गुजरात वो राज्य है जहां कांग्रेस लगातार विधानसभा चुनाव हार रही है और लगातार लोकसभा चुनाव में भी उसका सफाया होता जा रहा है। फिर भी ये जश्न किस बात का मना रहे हैं, समझ से बाहर। यूपी में क्या हुआ, अब इसकी भी बात करता हूं। कांग्रेस तो देखिए, ये एक्सरे आप कीजिएगा तो कांग्रेस के अंदर अस्थि पंजर सब हिला हुआ दिख रहा है, लेकिन इनके आसपास का इकोसिस्टम मानने ही नहीं देता इनको कि नहीं आपको सुधार की जरूरत है। अरे गजब कर दिए बॉस ये वाला माहौल। खैर, बीजेपी इस मोड में नहीं है। 240 सीट लाने के बाद भी बीजेपी में आत्ममंथन शुरू हो चुका है। रिपोर्ट्स मांगी जा रही हैं, एक्शन हो रहा है। यूपी को लेकर मोदी योगी कैसे एक्शन में है और हार के बाद अब क्या बड़ी जीत सामने दिखने लगी है? अयोध्या में बीजेपी की हार की असली वजह क्या सामने आई? अब इसका चैप्टर।